और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट जो कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स पर पूरे देश में काम करते हैं, वो राजरत्न अंबेडकर आज चैत्य भूमि पर आए हैं अभिवादन करने। हम उन्हीं से बात करेंगे। राजरत्न जी, हम ट्विटर पर तो आपको फॉलो करते हैं, देखते रहते हैं कि किस तरह से आप काम करते हैं, लेकिन फिलहाल जो महाराष्ट्र की पॉलिटिकल स्थिति है उसको देखते हुए क्या लगता है आगे जाकर जो अनुयायी हैं अंबेडकर के उनका भवितव्य क्या है? देखिए, महाराष्ट्र के ही नहीं तो पूरे देश भर का जो पॉलिटिक्स हम लोग देख रहे हैं आज, एक जो डेमोक्रेसी बाबा साहब ने दी थी उसके लिए हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी अब खतरे में आ रही है। खुल के लोग अब हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, संविधान को हटाने की मांग कर रहे हैं। और आपको शायद पता होगा, एक दो दिन पहले संसद में, राज्यसभा में प्रीएम्बल चेंज करने का बिल रखा जाता है। सोचिए, नेशनल ऑनर का एक जो कानून इस देश में है, वो कानून कहता है कि मौजूदा संविधान के खिलाफ कोई कह नहीं सकता, यानी उसकी कोई आप निंदा नहीं कर सकते हो। और अगर करना है तो आपके पास लीगल प्रोसेस है, 2/3 मेजोरिटी आप पार्लियामेंट में प्रूव करो, संविधान को हटाना है तो ऐसी बात करो। लेकिन एक मौजूदा संविधान होने के बावजूद भी एक नए संविधान की मांग होती है, और ये नया संविधान धर्म पर आधारित होना चाहिए, जबकि ये देश सेकुलर है, सभी धर्मों का ये देश है, चाहे वो हिंदू हो। मैं तो कहता हूँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं, ये देश उनका भी है जो किसी धर्म को नहीं मानते, किसी धर्म को नहीं मानते, ये उनका भी देश है। लेकिन आज कुछ लोग, और खास करके ऐसे पदों पर बैठे हुए लोग जो संवैधानिक पदों पर है, ये लोग इस तरह की मांग कर रहे हैं। आज बाबा साहब को हम अभिवादन करने आए हैं, लेकिन बाबा साहब आज भी संविधान के माध्यम से हमारे बीच में है, हमारे लोगों में है। बाबा साहब के साहित्य, बाबा साहब का जो लिटरेचर है, बाबा साहब ने इतने सारे वॉल्यूम्स लिखे हैं, सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो लेना पड़ रहा है गवर्नमेंट के लिए। आज देखिए, आप कहीं पर भी चैत्य भूमि में घूमे, एक भी बुक का स्टॉल नहीं है। हमारे सामने बीएमसी का इतना बड़ा स्टॉल लगाया है, और इसी बीएमसी ने ये ऑर्डर निकाला है कि एक भी बुक स्टॉल नहीं होना चाहिए। कोरोना की भी तो पाबंदियां है, कोरोना की, मैं कहता हूँ कोरोना की पाबंदी है तो क्या वो छठ पूजा को नहीं है? क्या वो कुंभ मेले को नहीं है? क्या वो बंगाल के इलेक्शन में नहीं है? अब यूपी के इलेक्शन आप देख रहे हो, अखिलेश जी की लाखों लाखों की सभा हो रही है, तो क्या कोरोना सिर्फ बाबा साहब के मानने वाले लोगों के लिए ही है? क्या कोरोना का इजाद सिर्फ अंबेडकरी लोगों को और बाबा साहब के मूवमेंट को खत्म करने के लिए हुआ है? तो मेरा ये सवाल है कि कोरोना अगर उन लोगों को नहीं होता तो हम लोगों को बुक स्टॉल पे, बुक बेचने पे कैसा होता है? ये लॉकडाउन होने से पहले 5 करोड़ के बुक्स यहाँ पर बिके गए थे, तो इतना बड़ा साहित्य यहाँ पर बिका था, तो आज एक भी साहित्य अवेलेबल नहीं है। बाबा साहब आज भी उनके किताबों के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से हम लोगों को गाइड कर रहे हैं, बाबा साहब हमको मार्ग दिखा रहे हैं, लेकिन इस मार्ग पर बाबा साहब को मानने वाले लोग ना चले, इसलिए ये सारा षड्यंत्र मुझे दिखाई देता है। अगर बात करें, गुट कई गटों में बटा हुआ है कहीं ना कहीं अंबेडकर मूवमेंट और नेता भी, तो उसके चलते आगे जाकर किस तरह से काम करने की कोशिश रहेगी? देखिए, मैं तो नेताओं को कहना चाहूँगा, सारा शेड्यूल कास्ट आज कोई बाबा साहब का वोट बैंक नहीं है या बाबा साहब को नहीं मानता। जैसे आज महाराष्ट्र में 59 कास्ट ये शेड्यूल कास्ट में आती है, लेकिन बाबा साहब को मानने वाले 1 या 2 कास्ट के लोग हैं। तो मैं ये नेताओं को कहना चाहता हूँ कि 1-2 कास्ट के लिए 100-100 पार्टियाँ बना रहे हो, जो ऑलरेडी कम संख्या में है उनमें भी आप इतना डिवीजन कर रहे हो, तो हम कैसे उस सत्ता की चाबी हासिल कर सकते हैं? इसलिए सभी जितने भी नेता पॉलिटिकल है, चाहे वो बहन जी हो, यहाँ महाराष्ट्र में प्रकाश अम्बेडकर जी हो, इन सभी लोगों को कॉमन होकर अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। धन्यवाद।